शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। संगठन की लापरवाही और पार्षदों की बिकाऊ प्रणाली से आहत होकर कांग्रेस के दो ब्लॉक अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही एक नगर अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दिया है। देखिए खबर। नीमच नगरी चुनाव में कांग्रेस के पार्षद हर परिषद में थोक के भाव बिके। ये क्रम नीमच की नगर पालिका में भी बाखूबी चला। 8 पार्षदों ने वार्डवासी और विचारधारा का सौदा कर अन्य पार्टी में अपना विश्वास जताया, जिसका रिएक्शन अब रफ्ता रफ्ता सामने आ रहा है। देर रात ब्रिजेश सक्सेना ने अपने इस्तीफे का आह्वान कर दिया और उनके बेटे अनुराग सक्सेना ने भी अपनी सफाई पेश की। गौरतलब है कि कांग्रेस से हुई गद्दारी को लेकर श्री सक्सेना बेहद आहत है। उन्होंने कहा कि वे पूरी उम्र कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता रहेंगे, लेकिन वे कांग्रेस से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जिरन में भी कांग्रेस का नगरपालिका अध्यक्ष बन गया, लेकिन कांग्रेस नगर अध्यक्ष मुकेश बांसखेड़िया ने अपना इस्तीफा अजीत कांठेड़ को सौंप दिया। इसके साथ ही अभी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं बनाया। वे 15 सालों से पार्टी में कार्यरत होकर विभिन्न पदों पर पदासीन रहे, फिलहाल किसी पार्टी में जाने की घोषणा नहीं की है। इधर कांग्रेस के नेताओं और बिकाऊ प्रणाली से प्रभावित सिंगोली ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानमंड भंडारी ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी को सलाह दी, जिसके साथ ही नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी भी ली है।